नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्ध्यास्त्र में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कर्क राशि के जो पुरुष होते हैं उनके काम भावना के प्रति उनकी सोच, उनके विचार किस प्रकार के होते हैं, किस तरह से वह काम भावना के प्रति आकर्षित होते हैं, इसके संदर्भ में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्ध्यास्त्र, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं उन राशियों के जो पुरुष वर्ग होते हैं उनके काम भावना के प्रति सोच विचार किस प्रकार के होते हैं उसके बारे में वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आप इसका आनंद ज़रूर लीजिए। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कर्क राशि के जो पुरुष होते हैं उनके काम भावना के प्रति उनके विचार किस प्रकार के होते हैं। तो कर्क राशि के जो पुरुष होते हैं वो जो व्यक्ति होते हैं वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, छोटे मोटे बातों पर बहुत ज़्यादा सोच विचार करने वाले होते हैं। और वह जो पुरुष होते हैं वह सबसे ज़्यादा जो अहमियत है वह अपने फैमिली के ऊपर देने वाले होते हैं, मतलब पारिवारिक सुख जानने वाले यह जो पुरुष होते हैं वो देखे जाते हैं। मतलब इनके जो भी मतलब परिवार के जो लोग हैं उनके प्रति इनका जो लगाव होता है, उनका जो आकर्षण होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। जैसे मैंने कहा पहले कहा कि यह व्यक्ति जो होते हैं पुरुष होने के बावजूद बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, और दूसरी बात प्रैक्टिकल भी होते हैं, और सोच विचार बहुत ही ज़्यादा करने वाले होते हैं, बहुत ज़्यादा सोच विचार करने वाले होते हैं। हालांकि आपको ये दिखेगा नहीं, उनके इनका जो बोलने की जो कैपेसिटी होती है वो भी काफ़ी अच्छी पाई जाती है। तो मिलनसार होते हैं। काम भावना के प्रति अगर देखा जाए तो काम भावना के मामले में काम भावना का हम काम सुख भी कहते हैं या फिर इंद्रिय सुख भी कहते हैं। बाकी के जो भी हमारी इंद्रिय होते हैं उसी प्रकार के ये काम सुख की भी इंद्रिया होती है, और वो भी उतने ही प्राकृतिक होते हैं। जैसे हम खाना खाते हैं हमारा जो मुँह है या हमारा जो नाक कान या फिर कान है या फिर हमारी जो स्किन है, ये जो इंद्रिया, उसी प्रकार से ये जो काम भावना का जो इंद्रिय सुख होता है वो भी उसी प्रकार का होता है और उतना ही प्राकृतिक होता है। लेकिन इस विषय पर ज़्यादा न बोलने के कारण हमें इसका ज्ञान नहीं होता, जिसकी वजह से किसी और स्रोत से हम इसका ज्ञान लेते हैं जो कि कभी कभी गलत भी साबित होता है। तो यह बात ध्यान में रखना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है कि यह जो काम भावना या फिर काम भावना का जो सुख है वो पूर्णतः प्राकृतिक है, यह भावना संपूर्णतः प्राकृतिक है। तो कर्क राशि के जो पुरुष होते हैं काम भावना के प्रति उनका जो आकर्षण होता है वो बहुत ज़्यादा या फिर तीव्रतम नहीं देखा जाता, क्योंकि अगर कर्क राशि के बारे में अगर कहा जाए तो इसका जो स्वामी है वह जो स्वामी है वो चंद्रमा है। यह जो राशि है वो स्त्री राशि है, चतुर्थ स्थान की यह जो राशि है वह चतुर्थ स्थान की है, चर राशि है उसका जो तत्व है और जल तत्व है। तो यह जो सभी बातें काम भावना के प्रति इनके जो विचार है उनको स्पष्ट करते हैं। मतलब यह इस राशि के जो पुरुष होते हैं वो काम भावना के प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं होते, मतलब बहुत ज़्यादा जल्दी से अट्रैक्ट नहीं होते। जैसे कि हमने मेष राशि के बारे में उनका जो आकर्षण होता है वो बहुत ज़्यादा तीव्रतम देखा है, या फिर वृषभ राशि के बारे में भी देखा कि इनका जो आकर्षण होता है वो तीव्रतम होता है लेकिन उसमें सोच विचार होते हैं। लेकिन ये जो कर्क राशि के जो पुरुष होते हैं इनका जो काम भावना के प्रति जो आकर्षण होता है वो तीव्रतम नहीं देखा जाता, मतलब उसमें सोच बहुत ही अच्छा होता है और इनका जो कंट्रोल है, इनका जो नियंत्रण है काम भावना के ऊपर वो काफ़ी अच्छा पाया जाता है। मतलब जो भी अभी हमने राशि बताई उसमें सबसे अच्छा नियंत्रण कर्क राशि के जो पुरुष होते हैं उनके होते हैं। मतलब उन्हें यह पता है कि किस स्त्री के साथ उन्हें काम भावना के प्रति आगे बढ़ना चाहिए, उसमें क्या सोच विचार होने चाहिए, वो जो स्त्री है उसके बारे में सब कुछ जान लेंगे, या फिर काम भावना में रत होने के बाद उसके परिणाम क्या होंगे, उस सभी के बारे में यह जो मतलब व्यक्ति होते हैं या फिर पुरुष होते हैं वो हमेशा सोचते हैं। और पहली बात तो यही सोचेंगे कि यह काम भावना में लीन होने के बाद उसका जो परिणाम है वो फैमिली के ऊपर किस प्रकार से आने वाले हैं, या फिर उनके जो पारिवारिक जीवन है उस पर इसका जो परिणाम है वो किस प्रकार से हो जाएगा। यह जो विचार है वह सबसे प्राथमिक होता है। तो यह जो व्यक्ति होते हैं वह हमेशा काम भावना के प्रति उनकी जो पत्नी होगी उसके प्रति ही ज़्यादा वो अट्रैक्ट होते हैं, क्या फिर उन्हें पता होता है कि यह जो काम भावना के प्रति किसी और व्यक्ति के प्रति अगर यह काम भावना उनके सामने या फिर आकर्षित हो जाए तो उसके परिणाम अगर कुछ अलग ही होंगे, अलग हो सकते या फिर नकारात्मक होते, तो वो जो व्यक्ति है मतलब यह जो पुरुष है वह काम भावना के प्रति ज़्यादा आकर्षित नहीं होंगे किसी और स्त्री के प्रति। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, ऐसे ही स्त्री के प्रति यह जो व्यक्ति है वह आकर्षित होंगे जो जिनका कंट्रोल भी हो सकता है। मतलब यह जो पुरुष है वो जो बाह्य सौंदर्य होता है, स्त्री का जो बाह्य सौंदर्य होता है, जैसे
हम कॉस्मेटिक ब्यूटी भी कहते हैं, तो उसके प्रति यह जो पुरुष है वह कभी भी अट्रैक्ट नहीं होते। जैसे कि हमने मेष राशि के बारे में थोड़ा बहुत, वृषभ राशि के बारे में भी देखा कि ये जो पुरुष होते हैं वो तो वो जो बाह्य सौंदर्य होता है इसके प्रति इनका अट्रैक्शन या फिर आकर्षण देखा जाता है, लेकिन यह जो राशि इनका वो अट्रैक्शन बिल्कुल भी नहीं देखा जाता है। हालांकि यह हमेशा देखेंगे कि उनका जो नेचर है वो किस प्रकार का है, मतलब जो स्त्री है उसका नेचर किस प्रकार का है, वो इमोशनल है या नहीं, या फिर इमोशंस के आधार पर वो सोचती है कि नहीं, या फिर केयर उनके मतलब उनमें केयरिंग जो नेचर है वो है या नहीं, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। वो हमेशा देखेंगे, मतलब कर्क राशि के पुरुष हमेशा देखेंगे कि सामने वाली जो स्त्री है वो केयरिंग है या नहीं, या फिर उनको जो सामाजिक तथ्य है वो उन्हें पता है भी या नहीं। जैसे कि कभी कभी हम देखें कि कई जो स्त्री वर्ग होता है, कई जो स्त्रियाँ होती हैं वो थोड़े से बिंदास्त होती है, तो ऐसी जो स्त्रियाँ हैं वो स्त्रियाँ कर्क राशि के पुरुष को कभी भी नहीं भाती, तो ये बात महत्वपूर्ण है। तो सामने वाली जो स्त्री है वो स्त्री थोड़ा बहुत मतलब कल्चरल होनी चाहिए, और उन्हें कैसे मतलब बिहेव करना चाहिए, कि उनका किस प्रकार का बर्ताव है, वो सभी देखने के बाद ही यह जो कर्क राशि के जो पुरुष होते हैं वो काम भावना के प्रति उस स्त्री के प्रति आकर्षित हो सकते हैं। अगर वो जो स्त्री है वो थोड़ा सा एरोगेंट हो, उनका जो बोलना है वो थोड़ा सा एरोगेंट हो, या फिर उनका अगर घर पर ज़्यादा ध्यान नहीं होगा, या फिर वो इमोशनल नहीं होगी, तो यह जो पुरुष है मतलब कर्क राशि के जो पुरुष है वो उस स्त्री के प्रति कभी भी अट्रैक्ट नहीं होंगे। मतलब ये कभी नहीं देखते कि उनका वो जो स्त्री उसका सौंदर्य क्या है, या फिर वो उनका जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो किस प्रकार का, वो नहीं देखती है। पहली तो बॉटम लाइन ये देखती है कि वो जो सामने वाली जो स्त्री है वो इमोशनल है या नहीं, या फिर फैमिली ओरिएंटेड है या नहीं, इन सभी के ऊपर विचार सोच विचार करने के बाद ही ये जो कर्क राशि के पुरुष है वो आगे बढ़ते। जैसे मैंने कहा इनका जो संयम होता है काम भावना के प्रति वो काफ़ी अच्छा देखा जाता है, इसी वजह से यह इनके जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह होते हैं, मतलब कर्क राशि के जो पुरुष होते हैं उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ज़्यादा नहीं देखे जाते, यही बात उनमें होती है, क्योंकि यह जो राशि के पुरुष होते हैं वो सबसे ज़्यादा फैमिली को महत्व देने वाले होते हैं, इम्पोर्टेंस देने वाले होते हैं। तो दोस्तों ये था कर्क राशि के जो पुरुष होते हैं उनका काम भावना के प्रति अट्रैक्शन किस प्रकार का होता है, या फिर वो कौन सी ऐसी बातें हैं जिसको ये ज़्यादा महत्व देते हैं। काम भावना में भी अगर देखा जाए तो काम भावना का संपूर्ण अनुभव यह जो व्यक्ति है वो लेते हैं, लेकिन काम भावना में भी यह जो व्यक्ति है वो जो मतलब बहुत ज़्यादा एरोगेंसी वगैरह, मतलब उस अनुभव में जाते हुए भी यह जो कर्क राशि के जो पुरुष होते हैं वो बहुत ज़्यादा एरोगेंसी या इम्पेशेंट जिसे हम बोलते हैं, जैसा कि हम मेष राशि के बारे में हमने देखा, थोड़ा बहुत वृषभ राशि में भी देखा जाता है, वो जो बात है वो बात इनमें नहीं देखी जाती। हमेशा सामने वाली जो स्त्री है इस अनुभव में भी यह जो राशि के जो पुरुष होते हैं वो सामने वाली स्त्री का ज़रूर विचार करेंगे, उनके बारे में ज़रूर सोचेंगे, क्योंकि यह जो राशि के पुरुष है वो जो होते हैं वो इमोशनल भी होते हैं। तो काम भावना के प्रति आनंद तो लेते हैं, लेकिन काम भावना में सामने वाली जो स्त्री है उसके बारे में सोचेंगे ज़रूर। तो दोस्तों ये था कर्क राशि के जो पुरुष होते हैं उनका काम भावना के प्रति उनके सोच विचार किस प्रकार के होते हैं उसके बारे में चर्चा। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने किस तरह से अनुभव किया, इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना, और अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन भी दबा देना, जिसकी वजह से अपने चैनल के नए नए वीडियो जो हर दिन अपलोड होते हैं उसके लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।